ओम शांति। बाबा के अव्यक्ति महावाक्य सुनेंगे। तीव्र पुरुषार्थ करने वालों की क्या निशानियां दिखाई देंगी? ऐसी अवस्था और स्थिति बनाने के लिए कौन सी बातें याद रखनी है, ये भी बाबा ने आज बताया है। और साथ साथ बाबा से एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी का जो वरदान मिलता है वो किस धारणा के आधार से मिलता है, आध्यात्मिक रूप से इसका क्या अर्थ है, और सदा बाबा का साथ अनुभव करते हुए हम निरंतर योगी कैसे बने। और जैसे गीत में सुना, दाता बनना है। कौन सी अलौकिक प्राप्तियां हुई है और वो कैसे दान करना है।